जीतिया का फाइनली पारण का समय आ चुका है, जो कि मेरी मम्मी पारण कर रही हैं। देख सकते हो आप लोग कितना कुछ खा रही हैं, और एक माँ ही अपने बच्चों के लिए इतना कर सकती हैं, बच्चे माँ के लिए नहीं कर सकते हैं, ये तो मतलब कहने का नहीं है। तो अभी मैं भी जाग गई हूँ और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, देख सकते हो मेरी आँख नींद नहीं खुल रही है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज मैं जाग गई हूँ 3:30 बजे, क्योंकि मेरी मम्मा के लिए खाना बनाना था, क्योंकि 24 घंटे से वो फास्टिंग है, जो यूपी और बिहार, नहीं सॉरी, जो झारखंड और बिहार के लोग हैं उनको पता है कि जीतिया कौन सी पर्व होते हैं, निर्जला व्रत होते हैं, जो कि एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। मेरी माँ भी रखी थी, लेकिन अभी फास्टिंग तोड़ने का टाइम है आज, तो 10:30 बजे का मुहूर्त है, 10:30 बजे खाना खाएंगी। तो अभी हम 3:30 बजे उजाग गए हैं, उजाग कर चलते हैं खाना बनाने। मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ, आप लोग झूठ समझते होंगे, टाइम दिखाती हूँ मैं कितना टाइम हो रहा। ये देखिए 3:27, 3 मिनट अभी बाकी है 3:30 बजने में। तो मैं जाग गई हूँ क्योंकि बहुत कुछ बनाना होता है आज के डेट में, तो मतलब ऐसा होता है कि आज के दिन मूज उठाते हैं ना, तो कढ़ी बनते हैं मेरे घर में, चावल बनते हैं, अब 5 रंग का सब्जी बनते हैं, 5 रंग का पकौड़े बनते हैं, तो उसको 5 रंग का सब्जी काटते काटते तो 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, तो इसीलिए हम 3:30 बजे जाग गए हैं। तो चलते हैं आप लोगों से और जल्दी जल्दी अपने फटाक फटाक बेड को सही कर लेते हैं, और सही करके फिर मैं आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। और ये है देखिए जीतिया, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, ये जीतिया है जो कि मम्मी शाम में पूजा करके मेरे गले में डाल दी हैं, क्योंकि पूजा करके बच्चे के गले में पहना देना चाहिए, मम्मी पहना देती हैं मतलब एक दिन के लिए। और ये कल मॉर्निंग में भी नहीं, कल शाम में उतरेगा, जो कि फिर इसके बाद मम्मी पहनेगी। तो भाई था नहीं घर पे तो मुझे ही पहना देती, हम भी तो बच्चे ही हैं, तो अभी हम इसको पहन लिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी, देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी बेड को सही कर लेते हैं, सही करके फिर हम चलते हैं बाहर। और भाई साहब नींद मुझे तो आ ही रही है, लेकिन क्या करें, माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी बेड को सही कर लेते हैं और बेड से फटाक से उठते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। तो अभी मैं फाइनली बहुत मुशक्क़त के बाद बेड से उठ गई हूँ, उठने का मन नहीं कर रहा था। आप लोगों को तो पता है कि ठंडी में थोड़ा, अभी ठंडा का टाइम, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ हो रहा था 10-12 दिन से, तो ठंडा मौसम किया हुआ है। तो अभी मैं फाइनली 5 से 7 मिनट ली हूँ उठने के लिए और जाग गई हूँ। जागने के बाद मैं बाल को अपना कवर कर लेती हूँ, क्योंकि लंबे बाल है तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। और इधर मैंने कपड़ा डाला हुआ था, तो मैं उसको भी फोल्ड करके अनवारी पर रख देती हूँ, गीला था हल्का हल्का। तो आप लोग बताना मेरा बाल कैसा लग रहा है आप लोगों को, अभी तो थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन इसको दुर्गा पूजा में ठीक करवाऊँगी। तो चलती हूँ बाहर, अब देर ना करते हुए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद फ्रेश होके। चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आकर बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बताई। और ये मैं बैंगन निकाल कर लाई हूँ, जो कि एक बैंगन सड़ गया है, 2 बैंगन बचा हुआ है। तो 5 रंग का सब्जी आज बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मेरा रेडी हो चुका है। और बैक कैमरे से ऐसे नहीं समझ पाओगे क्या क्या मेरा रेडी हो चुका है, लगभग लगभग मैं मतलब काटने पीटने वाला सारा काम कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा। तो ये देखिए मैं सारा को कट करके उबाल दी हूँ। तो ये है बैंगन, ये है लौकी, ये है आलू, जो कि बेसन में लपेट के पकौड़े बनाऊँगी। और इधर सब्जी भी मैं कट कर चुकी हूँ, ये देखिए आलू और तुरई की सब्जी, मतलब चने और तुरई की सब्जी। ये है कंदा, कंदा का सब्जी जिसको लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये है बोदी, और बोदी में ही मैं डालूँगी ये बैंगन, क्योंकि बोदी बैंगन आलू 3 तरह का ये हो जाएगा, एक कंदा, एक वो 5 का हो जाएगा सब्जी। इधर चने फुला कर रखा हुआ है, इधर बेसन में रख दी हूँ पीस कर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था काम फिनिश होने के बाद, तो लगभग लगभग मेरा को सब कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत खाना भी बन चुका है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी 5:30 बजने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला भी बाहर आ चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है, अभी उजाला आ चुका है, और अभी सूर्य भगवान अभी निकले भी नहीं है, बस थोड़ा सा उजाला हुआ था, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ। बहुत बहुत सुहाना लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मेरा तो सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है साग वग बनाने के लिए। तो साग मैं उधर चूल्हा पर रखी हूँ, तो मैं सोची कि किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इतना कुछ बनाया है तो मुझे भी तो भूख लगा है ना। तो जल्दी मैं काम कर लेती हूँ किचन में, काम करके किचन को सफाई करके, और फिर देखती हूँ मम्मा को बोलती हूँ नहाने वहाने के लिए, पूजा करने के लिए।
तो चलिए जल्दी जल्दी, मैं फटाक फटाक काम कर रही थी क्योंकि समझ सकते हो कि 3:30 बजे के जगह जगह इंसान का क्या हालत हो सकता है। इतनी कमर में पेन हो रही थी ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना चुकी हूँ। तो ये देखिए, चावल है, इसमें है कढ़ी, और इसमें है तुरई, नेनुआ और चने की सब्जी, इसमें है बूंदी, आलू और बैंगन, ये है कंदा की सब्जी, और इधर पकौड़े। तो भाई साहब मैं बहुत सारा बना दी हूँ, तो आ जाओ आप लोग भी खा लो। आलू है, चने की है, बैंगन की है, इसमें 3 तरह के ये पकौड़े हो गए। मैंने सोची थी कितना सारा बन जाएगा, मैं तो सही बनाई थी, लेकिन कितना सारा बन गया। और इसमें है लौकी का, ये है क्या कहते हैं, पोई का, और ये तो जीतिया का बेस्ट चीज़ है जो कि मड़ुआ की रोटी, जितने बच्चे होते हैं उतना खाया जाता है। तो लगभग लगभग मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो अभी देखिए मम्मा मेरी तैयार हो गई हैं पूजा करने के लिए, कि और बेचारी क्या करे, चल भी नहीं पाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करती हैं। लेकिन बच्चे को क्या बोलना है आज के डेट में, कुछ नहीं बोलना है। और 10:30 बजे का मुहूर्त था, तो मम्मी अभी नहा ली हैं, नहा कर बस पूजा कर रही हैं, और मेरे पापा भी इधर पूजा कर रहे हैं रूम के अंदर, क्योंकि मम्मी थोड़ा सीढ़ी पर चढ़ने पर प्रॉब्लम होता है ना, चल नहीं पाती हैं ढंग से। तो मम्मी पापा अंदर कर रहे हैं, मम्मी बाहर कर रही हैं। और जितिया का जो पूजा होता है ना, कुआं पर रख के ही किया जाता है। तो ये देखिए मेरी मम्मी कुआं पर रख कर कर रही हैं। और मेरे घर के, आप लोग को पता है कि आंगन में कुआं है, नहीं पता है तो जान जाइए, मेरे आंगन में कुआं है, जो कि अगले साल तक ये भी मिट्टी डाल के भर दिया जाएगा। और फाइनली पूजा हो चुका है, मेरी मम्मा बेचारी 24 घंटा बाद जा रही हैं मुँह को जुटाने के लिए, ये देखिए मीठा खाकर। और मम्मी के लिए शरबत मैं नहीं घो रही हूँ, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो केला से ही काम चला रही हैं। और ये है देखिए, कुछ पता नहीं क्या बीज है, ये है खीरा का बीज और उधर झींगा का बीज, जो कि तीनों जितने बच्चे होते हैं सारे निगला जाता है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैं भी प्रसाद खा चुकी हूँ, देख सकते हो मेरा मुँह चल रहा है। और चलती हूँ मम्मी के लिए, जल्दी 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 खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि बेचारी बहुत ज़्यादा भूखी होंगी। 10:30 बजे का खाने का था, लेकिन अभी 11:45 बज गए हैं। तो जल्दी जल्दी चलिए मैं खाना निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ आराम से, और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ये मेरे गले में कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अभी देखिए मम्मी के लिए खाना मैं निकाल ली हूँ, सारा कुछ, चावल, सब्जी, बूंदी, कंदा साग, ये है मड़ुआ की रोटी, ये है जो भी कुछ भी है, इतना सारा मैं कुछ बनाई हूँ। अजय जिसको खाना है प्लीज़ कमेंट करना, है ना, अभी बहुत बहुत सारा बचा हुआ, बहुत सारा बन गया है, तो दे दूंगी अगल बगल के किसी को। तो अभी मैं, मेरी मम्मी इधर देखिए फाइनली अब मुँह उठाएंगी ये देखिए कैसा मुँह हो गया इनका बेचारी का। मेरी मम्मी पता है आपको, ये अब दे रही हैं धरती माँ को खाना, फिर इसके बाद वो मुझे उठाएंगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है ना सब में से, तो ये देखिए, तो फाइनली दे चुकी हैं, देने के बाद मम्मी मुँह जुठा ली हैं, अब खा रही हैं। और मेरी मम्मी यार बहुत, मतलब क्या बोले, मतलब इनका ज़िंदगी ऐसा है ना कि बिना दवा, एक दिन बिना दवा का नहीं रह सकती हैं। तो चलिए हम भी किचन में आ गए हैं, किचन में आने के बाद मम्मी पापा को खाना दे दिए हैं, तो मैं भी सोची खा अपने मैं भी खा लूँ, क्योंकि भूख लग रही है, 3:30 बजे के जगी जगी हूँ, और सोच रही हूँ कि खा कर मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, मेरी मम्मी एक दिन बिना दवा का नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बच्चे की खुशी के लिए, मतलब बच्चे के सलामत के लिए माँ करती हैं इतना इतना कठिन व्रत। मैं मम्मी को मना की थी कि मत कीजिए, लेकिन क्या करें, बस सिर्फ यार ये माँ ही कर सकती है, एक माँ 7 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन 7 बच्चा एक माँ को नहीं पाल सकता है। चलिए ठीक है, बाय बाय, लव यू।